सो है गाइस, वीडियो आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इतना बता दूं कि आज मैं आया हूँ दिल्ली के पढ़ाने के लिए मैं। और अगर आप यहाँ पर आते तो फैमिली के साथ आते तो फैमिली के आने के लिए ना आपके इधर बगल में चिड़ियाघर और इधर है बोटिंग, बोटिंग दोनों में से आप इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप कपल के साथ आते हो तो कपल के लिए आपके लिए पुराने किला बनाया हुआ है, तो उसमें आओ और खूब बढ़िया से इन्जॉय करो, ठीक है। सो भाई ये है चिड़ियाघर, जू जिसको कहते हैं, दिल्ली का जो चिड़ियाघर है वो आपका ये है। पुराने किले जस्ट इसके ये है जो आपको देख सकते हो, आपकी मीनार दिख जाएगी और जस्ट उसके बगल में आपको बोटिंग मिल जाएगी। बोटिंग मतलब पानी में जो आपको झील बनी हुई है, आप उसमें इंजॉय कर सकते हो। यहाँ की जो टिकट का जो सिस्टम है 30 रुपये की टिकट है। तो चिड़ियाघर में आने के लिए भाई आपको 80 रुपये देने होंगे और आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। मैं पुराने किले को भाई साहब मिनी ओयो भी कहा जाता है, उसका रीज़न ये है कि भाई इसको बना दिया कपल पार्क। तो आप देख सकते हो ज़रा कि पीछे यह है पुराने किले। तो अंदर चलते हो, अंदर चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। और इसकी जो टिकट है 30 रुपीज़ की टिकट है, ठीक है। गाइस तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ, देखो वहाँ ना कपल बैठे हुए हैं, उधर कपल बैठे हुए हैं, वो गार्ड खड़ा है, वहाँ कपल बैठे हैं और ना ये भगा रहा है गार्ड, ये देखो। ट्रैकिंग दिखाने वाला हूँ गाइस तुम्हें, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अगर भाई एक कदम अगर इधर से उधर हुआ ना तो तुम ना 20 फीट से 40 फीट नीचे जाके गिरोगे, ठीक है। तो तुम ऐसे ना करो, ठीक है, चलो। सो गाइस ये देखो मैं कहाँ चल रहा हूँ, ये देखो खाई है और इधर भी खाई है, ठीक है। और यहाँ से ना ऐसे होते मुझे ऐसे जाना है, ये रही मस्जिद। चलो भाई चलते हैं, एक कदम और ज़िंदगी ख़राब। तो भाई तुम थोड़ा ध्यान रखना। ओ भाई कितना छोटा होता जा रहा है रास्ता ये। ओ भाई 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 भाई, भाई। कहीं वीडियो बनाने के कहीं ये ना कि वीडियो बनाने के चक्कर में भाई मैं नीचे जाके गिर जाऊँ। ये देखो गाइस, देखो वो देखो नीचे पूरी खाई है भाई। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ना ये देखो, ये पूरी नीचे खाई है, यहाँ मैं खड़ा हूँ एक इधर ये देखो खाई सी है, ये कम से कम 30 फीट नीचे है। और ऐसे ये देखो, पता है कैसे लोग गिरते हैं, ये देखो उठा हुआ है कितना, किसी का पैर लगेगा तो वो ऐसे ही गिर जाएगा। अब जाके रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ है, ये देखो। सो गाइस मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, मस्जिद के जस्ट नीचे ना ये बावली सी बनी हुई है, और ज़रा इसके अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ना कपल होंगे, तो यार आराम से चलते ज़रा, रास्ता दिख रहे हो यार कैसे एकदम डरावना सा रास्ता है। भाई ये देखो यार, ये झाड़ियों का मतलब जानते क्या, देख कपल सबसे ज़्यादा आते हैं, और यहाँ से इतने ऊँचे से कौन निकलेगा। चलो मैं अंदर चलते हैं यार। सो भाई मैं तो आ गया उसके अंदर, ज़रा देखते हैं अंदर इसके क्या है। भाई कैसी जगह है ये भाई, बताओ कि इस, देखो मैं तुम्हें सच बताऊँ भाई, कुछ है भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। देखो अगर देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताऊँ, यहाँ कपल बताऊँ क्यों आते हैं। कपल आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर ना कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, जैसे कि आप जानते हो कि अदर पार्क में क्या होता है कि पुलिस वाले होते हैं या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं, बट पुराने किले में ना ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया ना, मैं अभी उतर के आया तो कोई भी नहीं है इसमें, कोई भी कुछ भी कर सकता है यार, मतलब समझ सकते हो यार, तो बोल नहीं सकता, चैनल है भाई क्योंकि फैमिली लोग भी देखते हैं। तो और दिखाता हूँ ज़रा क्या है, ये देखो यार इसके अंदर भी भाई कुछ नहीं है, रास्ता देख रहे हो, बोले कि भूतिया सी जगह है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ, ये देखो खाली पड़ा है। कोई है क्या भाई, कोई है, कोई भी नहीं है भाई। तो इसलिए फेमस है भाई पुराने किला। तो अगर तुम आते हो ना भाई फुल एंजॉय कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो समझ तो जाओगे ही यार। चलो आओ, और ये क्या है, हाँ चलो इसको ऊपर इसके इसमें चल के देखते हैं जरा इसके अंदर कोई कपल है या नहीं है। और कुछ झाड़ियाँ ऐसी बनी हुई है, देख सकते हो ये रास्ता बना हुआ है झाड़ियों में, तो इधर ना नॉर्मल बंदे आते नहीं है, कपल वाले ही ज़्यादा आते हैं बस। झाड़ियों में से चलते हैं भाई, झाड़ियाँ समझ रहे हो मैं भाई, ये कहाँ रास्ता जाता है।
भाई कहाँ कहाँ फंस गया, किस खेत में आ गया, मेरे पूरे बाल वाल सब खराब हो गए यार। ओए तो ये है भाई झाड़ियों का मामला। अपने साथ तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं जो कुछ कर सकते हैं, जिनकी है वो मज़े ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं, हम तुम्हें मज़े दिला रहे हैं। यार तुम भी आओ कभी और करो इन्जॉय, पर हाँ भाई कुछ ज़्यादा खुल्लम खुल्ला मत करना, ठीक है, कि यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। सो गाइस मैं आपको दिखाऊं, पीछे में कपल खड़ा था, उन्होंने आवाज मारी, बोला ओए, मैंने भी बोल दिया ओए। सो यार मैं किसी ना फोटो वीडियो दिखाना नहीं चाहता कि यार प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, तो प्राइवेसी दे। वो यहाँ से चलते हैं, ये ना मंदिर है, भैरव मंदिर है, नीचे देख सकते हो आप, यह है भैरव मंदिर, ठीक है। अगर कोई कहता है कि यहाँ भैरव मंदिर किधर है, वो जस्ट पुराने किले के ना पीछे है। सो गाइस मैं आपको दिखाऊँ, जरा मैं ना उस वाले रास्ते से ना ऐसे घूमते हुए यूँ नीचे उतर के आया, फिर उसमें गया घुस के, फिर तो मैं झाड़ियों से लेता हुआ सीधा उसमें गया, वहाँ से ट्रैकिंग करता हुआ अब यहाँ पर। चलो आओ देखते हैं क्या होता है। सो गाइस तुम्हें दिखाऊँ, कितने नुकीले नुकीले पत्थर हैं यार, उसके ऊपर से चढ़ के जाना है, अगर एक पैर भी घुस गया ना भाई सीधा पैर फाड़ देंगे पत्थर, इतने नुकीले। ये देखो यार, ये देखो भाई, बहुत खतरनाक जगह है, गलती कर दी यहाँ पर आके, पसीने छूट गए। चलो यार यहाँ से नहीं, यूँ चलते हैं, ट्रैकिंग हो जाएगी, थक तो गए यार, मेरे ना पसीने छूट गए भाई ट्रैकिंग करते करते। अब पता क्या डर ये लग रहा है कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में ना नीचे ना गिर जाऊँ यार बस, क्योंकि वो रास्ता ना इतना ख़राब सा है। ये देखो गलत रास्ता चुन लिया मैंने, मुझे लग रहा है जो जोश में आ गया फटके चार हो रही है। कोई नहीं, फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। सुबह सुबह दिखाऊँ मैं ना वहाँ से यूँ आया, ठीक है, अब यहाँ से मैं ऊपर यहाँ से चढ़ूँगा तो भाई अगर बैलेंस खराब हुआ तो कहाँ जाके गिरूँगा यार, देख रहे हो कुछ भी नहीं है इधर भाई, जोश में होश मत खो देना। सो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, बहुत ख़राब जगह है भाई, जोश में मत आना क्योंकि ऐसे बुरा हाल होगा। अब यहाँ से ऊपर चढ़ोगे पैर फिसला तो सीधा नीचे, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना बंदा ना बंदे की जात, ढूंढते रहो कौन कहाँ मिलने वाला है। चलो तो भाई तुम्हें एक चीज़ और दिखाऊं कि अब जाने वाला हूँ इसके अंदर, इसके अंदर होते हो ना उस कोने पे निकलेंगे, वहाँ पर मज़े आने वाला है, बस कोई मिले नहीं। चलो चलते हैं। पर यार ना तुम्हारे साथ ना दोस्त यार हो, पर हरामी हो, इतनी भी हरामी नहीं कि वो कपल को डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, तो ऊपर चढ़े कैसे, एक रास्ता तो ही जा रहा ऊपर ऐसे चढ़ने का भाई, बहुत चल लिया यार, गिर गया ना तो बैंड बज जाएगी। झाड़ियों में से चल के अंदर, भाई यहाँ ये देखो यार, लव की निशानी खाली पड़ा भाई, ये देखो लव की निशानी, 26 फरवरी 2015 को आए थे नीरज और कोमल, संध्या और कोमल हैं, अब दो कोमल एक ही बंदी, कैसा जमाना आ गया। ये लो अकरम भाई आए शिवानी को लेकर 2/6/18 को, अच्छा जी और कौन है, अरे यार ये तो एक साल पहले आया था, एसके, और कौन है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, बेशर्म। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँ, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको पढ़ लेना, और जो राजा थे वो यहाँ बैठा करते थे, आप देख सकते हो ज़रा
कुछ हद तक ना ये मतलब टूट फूट गया है, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कुछ थोड़ा आगे आके, ठीक है। तो ये देखो, ये जो जगह है ना, यहाँ पानी भरा करता था और इस जगह से है ना यहाँ दरवाज़ा हुआ करता था लकड़ी का, जो उस साइड से भी और इस साइड से भी खुलता था। सेकंड चीज़ आपकी वहाँ है, उधर राजा बैठते थे, इधर से और इस साइड से एंट्री होती थी, जो आप देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप से बना हुआ था, तो काफ़ी बड़ा ये। सो मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ ज़रा कि अंदर क्या क्या है, कैसे है, ठीक है। तो यह सीढ़ियाँ देख रहे हो कितनी, ये सीढ़ी हाल फिलहाल में बनाई हुई है कि ईंटें देख के पता चल रही है। सब बात आती है, देख सकते हो ज़रा कुछ इस टाइप से है। सो मैं आपको बताऊँ, मैं भी ऊपर से आया था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। ये अंदर से कुछ नज़ारा इसका ऐसा है, देख सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से बंद है और इधर एक दरवाज़ा हुआ करता था सामने। तो मुझे ये देखो, दिखाता हूँ तुमको ज़रा, इसको ना चुन सा दिया है। ये देखो, ये दरवाजे बंद कर दिया है और उसके पीछे पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता, कुछ तो है जो नहीं पता चल रहा। सो और चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें के लिए मैं क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यार झाड़ियों में घुस गया ना, झाड़ियों में घुस के ना ये पता है क्या दिमाग ख़राब हुआ, झाड़ियों में घुस के दिमाग ख़राब हुआ। उसमें ना छोटे छोटे तीन के थे जो साली चिपक गए पूरे बदन पे, और साले ना खुजली कर रहे हैं वो अब। सो मैं आपको बताना चाहूँ कि उस साइड में खड़ा था, वहाँ से आपको सामने दिखा था, अब मैं आ गया इधर। गेट एक ये रहा जो देख सकते हो, ये गेट ये रहा, एक गेट उस साइड है, बीच में पानी हुआ करता था और जो आते थे ना बीच में पानी इसलिए भरते थे कि राजा के पास कोई ऐसा ना पाए और जो मैन बंदी होते थे उनके लिए जगह होती थी। ये बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है, अंदर जाने की एंट्री नहीं है। अगर अंदर जाने की एंट्री होती तो आपको दिखाते ज़रा क्या है। और ये पता नहीं क्या बना हुआ है, स्क्वायर से एक दो तीन चार पाँच पता नहीं कितने, इसका कुछ तो मतलब होगा जो मुझे नहीं पता। खैर एनीवे, पर मैं इतना बता रहा हूँ कि लिए मैं ना, अगर तुम आते हो तो सबसे पहले म्यूज़ियम देखना, सबसे पहले म्यूज़ियम देखना। म्यूज़ियम देखने के बाद ना वहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, फिर तुम्हारी इच्छा होगी कि किले को और घूमो। जब तुम उसको घूमोगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा कि किले के अंदर क्या क्या है। बट ठीक है, ओवरऑल मतलब पैसा वसूल है, मतलब कपल के लिए तो भाई माइनस में कर देते हैं वो, कपल लोग अगर यहाँ आते हैं ना तो माइनस में पैसे कर देते हैं। सो गाइस, ये शेयर मंडल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए पढ़ लेना ज़रा, मैं तो इसके पर देता हूँ भाई। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ कि पुराने किले के ना तीन गेट है, पहले गेट ये है और दूसरा गेट जस्ट सामने है, ठीक है, वहाँ जो कपल जो जा रहे हैं, और तीसरा गेट है जहाँ से तुम्हारी एंट्री होती है। इनमें से दो गेट बंद है और एक गेट चालू है जहाँ से तुम्हारी एंट्री होती है, यहाँ से कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब बहुत बड़ा किला है यार, और घूमते घूमते ना इतना परेशान हो गया हद से ज़्यादा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर तुम कपल के साथ आते हो ना तो थोड़ा ध्यान रखना बस, कुछ ज़्यादा ऐसी हरकतें मत करना जो तुम्हें शर्मसार करे। बाकी ओवरऑल मिला के आप घूम सकते हो, बैठ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, कुछ ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम आगे चल के दिक्कत हो, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो में भाई अगर तुम्हें मज़ा आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आप फिर दोबारा मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का मुझे बता देना कि ज़रा आपको कौन सी वीडियो चाहिए, क्योंकि इसके बगल में चिड़ियाघर भी है और आपका बोटिंग भी है, तो और उसके बाद आपका लाल किला भी है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लोर मैं कर सकता हूँ आराम से, आपको दिखा सकता हूँ कि आपको कहाँ पर आना है, किधर आना है, पूरी फुल डिटेल के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, जब तक बाय बाय।